सही है ना? तो करी नहीं। दरवाजा खोलो। सब गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड आवर डेट है 1st of May। तो आई होप ये मंथ आप सबका और मेरा भी अच्छा गुजरे और सब सही हो जाए, कोविड वगैरह जो है सब कुछ सब एकदम गायब हो जाए इंडिया से। और इस वीडियो में स्पेशली मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी कार को मेंटेन कैसे कर सकते हैं लॉकडाउन में। कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा जंगली सा लुक आ रहा है, थोड़ा सा इसको भी क्लीन शेप करना पड़ेगा, तो पहले वो करते हैं। शीशा इतना गंदा हो गया यार, ये स्ट्रेंजर थिंग्स का कलर देख रहे हो मेरा और स्किन। बाकी इस बार ना तो यार ये अजीब सा ही लुक बन गया है, तो मेरे को सूट नहीं करती भाई मुझे। तो घर वालों को भी दिखाया, उनका रिएक्शन कुछ खास नहीं था, तो इसको भी बदल डालते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब थोड़ा आ रहा है कि टीनेजर हैं कुछ, मतलब 18-20 साल के लड़के वाली लुक आ रही है, ये लुक बढ़िया है। और यार मैं शेव करता हूँ बिल्कुल ही सेफ तरीके से। हाँ कट लग गए, बात लगे कि मेरे को ढंग से शेव करनी नहीं आती, वो उसका रीज़न ये था। बट मैं करता हूँ इससे, मैं शेव करता हूँ पार्क एवेन्यू की किट से, एंड ये है इसका आफ्टर शेव। तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है जो मैं आपको ढंग से इसके सिनेमैटिक्स वगैरह दिखाऊं, मैं बस बता रहा हूं आपको। तो अब चलते हैं, थोड़ा खाना वगैरह खाते हैं, फिर मैगी बनाइए, प्याज टमाटर वाली पहले वो खाते हैं। तो इस वक्त मैं आ गया हूं अपनी कार में, और जिन लोगों को नहीं पता ये कौन सी कार है मेरी, ऑब्वियसली किसी को भी नहीं पता होगा क्योंकि मैंने कभी दिखाई नहीं। तो ये है महिंद्रा KUV100, और इसको मैं आपको अभी इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताऊँगा कुछ 4 पॉइंट्स है जो मैंने अपनी डायरी में भी लिख के रखे हैं, ताकि मैं आपको ढंग से वो चीज़ प्रेजेंट कर सकूं, ढंग से वो चीज़ समझा सकूं। एंड ऑल्सो मेरे घर के नीचे कार खड़ी थी यार, इसलिए मैं आया हूं नीचे और गाड़ी में बैठा हूं, वो भी मास्क लगाकर। तो इसलिए यार आप कहीं भी ना जाएं, अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से घर पर रहें, अपने मास्क लगाकर जाएं, जो भी सिर्फ एसेंशियल्स चीज़ों के लिए, सिर्फ जो नेसेसरी हो, जहाँ पर जाना ही ज़रूरी हो, सामान लेना उसके लिए जाएँ। सर बहुत ज्ञान हो गया, अब थोड़ा काम की बात करते हैं। वो ये है कि अपनी कार को मेंटेन किस तरीके से करा जाए। सबसे पहले आपको अपनी कार दिखाता हूँ मैं, ये मैं खुद इसमें आज कम से कम 2 हफ्ते बाद आ रहा हूँ, और इसकी कंडीशन देखो यार, मिट्टी मिट्टी हो रही है पूरी। ये देखो पीछे भी देखो आप, बहुत मिट्टी हो गई है इसमें भी। वैसे ये 6 सीटर है, जिनको नहीं पता वैसे ऑब्वियसली सबको पता होगा। और इसको ऐसे रख दूँ मैं, कितना सीट कवर्स वगैरह भी ख़राब हो गए हैं। तो कुछ उसी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे हम कि हम कार को कैसे, वो देखो मिट्टी देख रहे हो, अब चला ही नहीं बड़े टाइम से, क्या कर सकते हैं। तो अब वही डिस्कस करूंगा आपसे यार। अभी कोविड का टाइम इतना ज़्यादा चल रहा है ना कि लोग अपने घर पे बैठे हैं और कार्स बिल्कुल ही ऐसे आइडल खड़ी हैं, बिल्कुल ही कुछ जाना नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। क्योंकि लोग अगर घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो आई होप सिर्फ पास के लिए ही निकल रहे हो, वही अच्छा है। बट फिर भी कार जो है वो ऐसी चल रही है नहीं, तो अब उसके लिए क्या करते हैं। तो कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको कुछ बताऊँगा, कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्रिजर्व द बैटरी। वो ये है कि मैं सिर्फ अपनी कार की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ना कार को थोड़ी देर के लिए स्टार्ट कर दिया करें, क्योंकि बहुत टाइम से खड़ी हुई है एंड कार एक बार स्टार्ट ज़रूर होनी चाहिए। तो अब ये हो गई है कार स्टार्ट, और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आप स्टार्ट होने दें, क्योंकि इसकी बैटरी तभी प्रिजर्व रहेगी। इफ़ पॉसिबल वंस इन अ वीक एक बार अपने व्हीकल को स्टार्ट ज़रूर करना, वेदर इट स्कूटी बाइक और कार। कार तो स्पेशली, क्योंकि कार की बैटरी यार बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है अगर बहुत टाइम तक ना चलाओ, इसे स्टार्ट ना करो। तो एक तो सांस फूल रही है, और हाँ चलो ये हो गया 1st पॉइंट। बट कई लोगों का ऐसा होता है कि कार यार काफ़ी दूर खड़ी होती है, कई किसी की घर के नीचे नहीं होती, जैसे मेरे तो घर के नीचे से मैंने आगे स्टार्ट कर दी थोड़ी देर, 10-15 मिनट के लिए स्टार्ट कर दूंगा, तो बैटरी थोड़ी सी हो जाएगी, चार्ज हो जाती है, तो प्रिजर्व हो जाती है बैटरी। बट अगर आप लोगों को कार के पास आप नहीं जा सकते, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, तो ऑटो जो ऑटो मेकर्स हैं, अच्छे ऑटो मेकर्स, उन्होंने एक सजेशन और दे रखा है, नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी को डिसकंटिन्यू कर दीजिए, ताकि वो डिस्चार्जिंग से बच जाए। ये एक अच्छा
एडवाइस जो है ऑटो मेकर्स ने, बहुत बड़े ऑटो मेकर्स ने दे रखी है कि आप अपने नेगेटिव जो जगह होती है, नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी को, वहां से अगर आप डिसकंटिन्यू कर देंगे तो फिर आपकी चार्जिंग डिस्चार्ज नहीं होगी मतलब। तो ये होता है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट सिस्टम, हालांकि वो मेरी गाड़ी में नहीं है इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह, जैसा आपको देखने को मिलता है 10.25 इंचेस का, ये सब मेरे गाड़ी में अभी नहीं है। मेरी गाड़ी में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी नहीं है एंड ऑल्सो, बट जो फीचर्स होते हैं, जो सिस्टम चीज़ें होती हैं इसमें, जो स्टीरियो होते हैं, एसी होता है, एसी मेनली, उनको एक बार ज़रूर चलाना चाहिए। तो एक एक बार हर चीज़ को ऑन ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो एसी हो, तो चाहे वो एसी हो या कुछ भी हो, ताकि उसमें से थोड़ी सी डस्ट निकले एंड कार को थोड़ा सा रेस देते हैं यार, ताकि बैटरी इसकी डिस्चार्ज ना हो। थोड़ी देर के लिए स्टार्ट ज़रूर कर दे रहे हैं यार कार अपनी, और एसी चल गया ना थोड़ा, मुझे भी राहत मिली अब। तो एसी मतलब एसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक हफ्ते में एक बार आप ज़रूर चलाएं एसी को, ताकि सारे सिस्टम जो हैं वो वर्क होते रहें, किसी में कोई दिक्कत ना आए। एंड ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बंद ही कर देता हूँ मैं, गुड बाय, ठीक है। और ये गियर यहाँ पर होता है, आप लोगों को पता ही है। और हाँ, एक चीज़ और मेन जो चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता था, वो मेन चीज़ ये है यार कि टायर को ना थोड़ा, अगर आपका जो सर्कमस्टांसिस ऐसे नहीं है, अगर आपको परमिट हो रहा है आपके एरिया के हिसाब से या कुछ भी है, तो टायर को थोड़ा सा फॉरवर्ड या बैकवर्ड को चलाओ आगे पीछे, ताकि उस पर फ्लैट स्पॉट्स ना हुए, क्योंकि टायर अगर चलता रहेगा ना तो दिस विल प्रिवेंट द टायर फ्रॉम द फ्लैट स्पॉट्स। तो थोड़ा सा गाड़ी को आगे पीछे करते हैं हम भी, एंड बाकी आगे पीछे करने के बाद, ये तो थर्ड पॉइंट था हमारा। सबसे पहला था कि प्रिवेंट द बैटरी फ्रॉम डिस्चार्ज, सेकंड पॉइंट था और कीप ऑल द सिस्टम्स रनिंग। कभी भी आप गाड़ी चलाओ, स्टार्ट कर दो, सिर्फ ये नहीं कि आप गाड़ी स्टार्ट कर दो, उसके एसी वगैरह को भी 5-10 मिनट के लिए ऑन कर दो, चाहे आप आगे पीछे ना लेके जाओ वो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीज़ें ज़रूर करना। तो ये हो गए। अब जो आता है हमारा पॉइंट, वो आता है हमारा थर्ड पॉइंट, और वो ये है कि अवॉइड हैंड ब्रेक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा होता है ना कि अब हम बहुत टाइम तक के लिए कहीं, जैसे हमें तो यही पता चलता है कि अगर कहीं पार्किंग पे जाना हो, ट्राइपॉड लेकर आना चाहिए था यार, ट्राइपॉड नीचे, चलो छोड़ो कोई नहीं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर कहीं पार्किंग वगैरह पे लगाते हैं गाड़ी या कुछ भी करते हैं, तो हम सब हैंड ब्रेक्स लगाते हैं, वो ज़रूरी चीज़ है ताकि गाड़ी आगे पीछे ना जाए। बट अगर आप हैंड ब्रेक बहुत टाइम से लगा के रखा है ना आपने, क्योंकि लॉकडाउन है और बहुत टाइम से आपकी हैंड ब्रेक लगी हुई है, तो इट कैन जैम योर ब्रेक, बिकॉज ज़्यादा टाइम के लिए हैंड ब्रेक यूज़ करने से अच्छा है यू कैन यूज़ दी गियर इंस्टेड, कि आप अगर गाड़ी को गियर में लगा दो। तो ये ज़रूर आप ट्राई करना कि हैंड ब्रेक, तो हम भी अपनी हैंड ब्रेक गाड़ी की खींच दें पहले, थोड़ी देर के लिए सही, बट एटलीस्ट हैंड ब्रेक हटानी ज़रूरी है। और मैं गियर पे अभी नहीं लगा सकता, गाड़ी स्टार्ट है क्योंकि एसी चला रहा है, गर्मी लग रही है, तो इट कैन जैम द ब्रेक्स। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि हैंड ब्रेक्स को थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए अगर आप हटा दें। अब जो अगला पॉइंट आता है कि कैसे मेंटेन करना है, तो वो ये है कि अपने ना कैबिन को क्लीन रखो। और आजकल तो वो चीज़ें आ गई हैं लाइफ बॉय वगैरह की भी, कि जिससे डिसइंफेक्ट हो जाता है, तो वो ज़रूर यूज़ करा करें। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मेरी अभी गाड़ी कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है, बट इसको अभी हम साफ़ करते हैं, और कपड़ा भी नहीं है गाड़ी में यार, हालत ख़राब हो रही है, तो थोड़ा सा ना इसको भी साफ़ रहा करें, डस्ट वगैरह थोड़ी सी, अगर आप हफ्ते में एक दिन आकर भी इसको हटा दें, तो थोड़ा सा आपको भी आकर गाड़ी में अच्छा लगेगा बाद में। बट अभी मैं वो वैक्यूम क्लीनर वगैरह नहीं कर सकता क्योंकि वो ऊपर है एंड अभी मैं ला नहीं सकता। तो सीट्स को भी साफ़ करना है और डस्ट को हटाना, बाकी फ्लोर मैट्स, कारपेट्स वगैरह, ये चीज़ें होती हैं कुछ जो कि साफ़ करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है। और फ्लोर मैट्स, कारपेट्स और वैक्यूम अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो सीट्स को थोड़ा सा साफ़, वैसे ही ये देखो ना, डस्ट, पता नहीं आपको कैमरे में ठीक से दिख रही होगी या नहीं, तो ऐसे यार डस्ट ज़रूर हटाना। अब मेन चीज़ जो है वो है प्रॉपर वेंटिलेशन। कार ना बहुत टाइम से बंद रहती है, तो इसको थोड़ी सी इसके अंदर फ्रेश ऑक्सीजन आने की बहुत ज़रूरत होती है, तो थोड़ी सी इसके अंदर फ्रेश एयर आ जाए ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन रहे कार में। एंड ये था एक पॉइंट। अब जो पॉइंट है वो है कि प्रोटेक्ट द एक्सटीरियर।
यार ऐसा जरूर ट्राई करा करना कि ओनली इफ पॉसिबल अगर आप अपनी कार को सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, और स्कूटी को तो बिल्कुल ना रखें, क्योंकि अगर स्कूटी में कहीं जाना पड़ता है तो आपको पता है क्या दिक्कत हो जाती है। और कार को भी इस चीज से थोड़ा सा अवॉइड करो कि शेडो में रखो। अगर आपका गैराज है, अगर आप घर के अंदर आपकी इतनी जगह है कि खड़ी हो जाए तो फिर वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं होगा और लोग ऐसे झांक के जा रहे हैं क्या कर रहा है ये, छोड़ो कोई नहीं, तो अगर हो सके तो शेडो में रखो कार को, डायरेक्ट सनलाइट में ना आने दो। तो ये एक बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट है। और कार को बाहर से भी साफ़ रखो, अंदर से भी साफ़ रखो। मेरी तरह नहीं कि गंदी कार पड़ी है, एक दो हफ्ते तक मैं आया ही नहीं गाड़ी में, बट यार अच्छी बात है, चलो कोई नहीं, गाड़ियाँ तो साफ़ हो जाएगी, पहले लाइफ है, लाइफ पहले बच जाए। वरना गाड़ी में मैं भी बहुत घूमता था कि सुबह सुबह कहीं निकल जाओ, इंडिया गेट वगैरह, लोधी गार्डन वगैरह, बट अभी नहीं जा सकते, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा सब। तो मेन यार यही थे कुछ 5 पॉइंट्स जो मेरे को आपको बताने थे, और हो सकता है अच्छे पॉइंट्स मैंने बताए हो और आप लोगों को ढंग से समझ आए हो, बट अगर नहीं आए तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ करो। और ये वीडियो जो है, ये व्लॉग, मतलब ये व्लॉग पर्टिकुलरली कुछ एक टॉपिक के ऊपर है। मैं डेली व्लॉग थोड़ा सा कम डालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक टॉपिक वाइज आपको कुछ ना कुछ मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। डेली व्लॉग अभी मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मतलब बड़ा एज इन इतना बड़ा सुपरस्टार वगैरह नहीं हूँ जो आप लोग मेरी डेली ज़िंदगी को देखना चाहोगे, बट अगर आप लोग चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, एंड मैं जैसा आप लोग कहोगे मैं तो वैसा कर दूँगा, मैं तो किसी तरीके से भी वीडियो डाल दूँगा। और अब यार हो गए मेरे ख्याल से 10 मिनट, थोड़ा सा रेस और दे देता हूँ, बस इसको थोड़ा सा ना गाड़ी को आगे चला भी देता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा आगे, ताकि टायर एटलीस्ट थोड़ा सा चल ले। बस थोड़ा सा आगे कर दिया एंड थोड़ा सा पीछे कर दिया, तो एक बार बस बाहर निकले। तो ये रही मेरी KUV, और बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है, बट कोई नहीं, करवा देंगे साफ। दरवाज़ा बंद कर दिया यार इन्होंने तो। अरे लॉक तो करी नहीं, दरवाज़ा खोलो, लॉक तो करी नहीं। आने के बाद ये वाली गेम खेलते हैं यार, अब छोड़ के याद है ऐसी आर्मी ऑफ डार्कनेस डिफेंस, बहुत तगड़ी गेम है ये। मैं छोटा था तब खेलता था एंड अभी तक खेलता ही आ रहा हूँ ये। सही है ना? अरे लगवा लेंगे, कोवैक्सिन लगवाऊंगा मैं, दोनों सेम ही है। मेरे को पता नहीं यार, कोई अगर जिसको किसी को इन्फॉर्मेशन है तो बताओ मेरे को कौन सी बढ़िया है, कोवैक्सिन बढ़िया है, कोविशील्ड, मेरे को इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है इस बारे में। तो मेरे को वैक्सीनेशन करवानी है, बट कोविशील्ड करवाऊँ, कोवैक्सिन करवाऊँ, कोई पता नहीं कौन कह रहे हैं कि रशिया वाली यार ये वो करवाओ, बट मैं इतना वेट नहीं करता, तो प्लीज़ बताओ यार कोविशील्ड ज़्यादा सही है कोवैक्सिन, दोनों सेम ही है, प्लीज़ बताओ। और ब्लॉग को एंड कर देते हैं, ठीक है, और चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, बटन ना बस को सब्सक्राइब कर देना, और ब्लॉग अच्छा लगाओ तो लाइक करना आगे ऐसी और ब्लॉग के लिए, बस बस सब्सक्राइब कर दो, बाय।